मंत्री अनुराग ठाकुर धर्मशाला पहुंचे। जी हां, इस दौरान अनुराग ठाकुर ने इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में 81वीं कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। जी हां, इस अवसर पर उनके साथ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर और स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया मौजूद रहे। ये चैंपियनशिप का आयोजन 22 नवंबर तक होगा। इस अवसर पर गगल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि गगल एयरपोर्ट का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। जी हां, उन्होंने कहा कि प्राइवेट विमान कंपनियां विस्तार आए, इंडिगो आदि कई अन्य अपनी सेवाएं गगल एयरपोर्ट में शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास एयरपोर्ट के मुताबिक छोटे विमान नहीं है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का विस्तार होते ही यहां से चंडीगढ़ की तरह अन्य राज्यों में भी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का गेटवे है और सारी दुनिया हिमाचल प्रदेश आना चाहती है। धर्मशाला में अपार संभावनाएं हैं एयरपोर्ट को बढ़ा करके वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग शुरू हो तो न केवल चंडीगढ़ बल्कि देश भर की फ्लाइट्स यहाँ पर आ सकती हैं। बड़े एयरक्राफ्ट वाली जो एयरलाइंस हैं, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, ये सब भी अपनी सेवाएं शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप कम होने के कारण ये मुश्किलें आती हैं जिनके पास छोटे एयरक्राफ्ट नहीं है। तो धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के हित में यही होगा कि धर्मशाला स्टेडियम एयरपोर्ट का विस्तार। तो विस्तार के लिए जैसे जिस प्रकार केंद्र सरकार के प्रयास हैं, जिला प्रशासन को बोला जाता है और यहाँ के लोग भी असंतुष्ट में हैं, जैसे कि उनको पता लग रहा कि कितना विस्तार होना है कितना नहीं होना है, ये तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कितना विस्तार होगा। मुझे लगता है सोच ऐसी हो कि केवल अब नहीं, सदियों सदियों के लिए इतना बड़ा एयरपोर्ट बने कि किसी भी तरह की एयरक्राफ्ट हो तो यहाँ पर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।